कैंसर का नाम जुबान पर आते ही लोग सहम जाते हैं, क्योंकि एक तो यह इतनी खतरनाक बीमारी और ऊपर से इसका महंगा इलाज। अगर घर में किसी बच्चे को कैंसर हो तो परेशानियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे में इन पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सपना उपाध्याय मसीहा बनकर उभरी हैं। दरअसल सपना कैंसर पीड़ित बच्चों के परिवारों की मदद करने और उन्हें रोजगार देने का काम कर रही हैं। काम 2005 से शुरू किया, इस ईश्वर फाउंडेशन के नाम से हमने एक संस्था बनाई, क्योंकि उस 2002 में मेरी बेटी बहुत बीमार हुई और उस पीरियड में एक बच्चा ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस क्विट करके जा रहा था, जिसको हमने सपोर्ट किया। और उसी दौरान वो बच्चा तो ठीक हो गया और उसकी दुआओं से मेरी बेटी भी ठीक हो गई। तो हमने सोचा कि इनकी माँओं को अगर हम ट्रेंड करें और इनको काम दें और इनको पैरों पे खड़ा करें तो शायद घर की स्थिति सुधर पाएगी। तो ये सिलसिला हमने पिछले 5-6 साल से शुरू किया और लगातार उन माँओं का एक ग्रुप बनता जा रहा है। पहले एक महिला से शुरू किया, उसको देख के और लोग मोटिवेट हुए, आज तमाम महिलाएं काम कर रही हैं और ये हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं। दो साल से क्या क्या बना लेती हूँ? मैं बैंगल्स बना लेती हूँ, कान के इयररिंग्स बना लेती हूँ और फ्लावर पॉट है, मतलब हर बना लेते हैं। यहाँ पर सिखाया जाता है जी? हाँ। और आपका, आपके परिवार में किसको कैंसर है? मेरी बेटी के मेरी बेटी को कैंसर था।